हाय एवरीवन, मुझे पता है आज आप लोग क्लार्क के पेपर दे के आए हो और आप लोग बहुत एक्साइटेड हो जानने के लिए कि कैसे होने वाला है, क्या चीज़ें हुई हैं एंड व्हाट ऑल इज़ गोइंग टू हैपन। क्लार्क एग्ज़ाम दिया है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही होगी, बहुत सोच रहे होगे कि आखिर अब क्या होगा, मैंने क्या गलत करा, मैंने पेपर कैसा था, कट ऑफ क्या जाएगा। ये जो टेंशन है, ये जो स्ट्रेस है, ये नेवर एंडिंग है जब तक क्लार्क का रिजल्ट नहीं आ जाता है। तो इट्स बेटर कि अपने आप को काम रखिए और कुछ आज हम लोग एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, कुछ आज हम लोग जानेंगे कि हाउ वॉज द पेपर एंड अकॉर्डिंगली थोड़ा सा गेस करने की कोशिश करेंगे व्हाट कैन बी द एग्जैक्ट, वोंट से एग्जैक्ट बट क्या हो सकता है हमारा प्रेडिक्टेड कट ऑफ फॉर दिस क्लैट 2022। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो फर्स्टली हम लोग बात करना चाहेंगे हाउ वॉज द पेपर। सो एज आई हैव गॉन थ्रू द पेपर, सो मेरे को देखने में ये पेपर थोड़ा सा ऑन द मॉडरेट टू मोर देन ईजी साइड ही दिख रहा है। रीज़न मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कहीं कहीं हमें दिखेगा कि पैसेजेस बहुत बड़े हो गए, जैसे इंग्लिश में दिख रहा है। मोस्टली पेपर को देखेंगे हम लोग तो थोड़ा थोड़ा ईजी होने लग रहा है, चाहे हम लोग इंग्लिश को भी देखें तो वो जो पैसेजेस हैं वो जरूर लेंदी हैं, बट दे आर ऑन द ईजियर साइड। अब हम लोग थोड़ा सा इन सेक्शंस में अंदर जाते हैं और अच्छे से जाने की कोशिश करते हैं। सो इफ़ यू टॉक अबाउट GK, तो GK में आपके पास बहुत लेंदी पैसेजेस नहीं आए हैं। GK में आपकी बात थोड़ा सा इजी है, टॉपिक वही थे जो एक्सपेक्टेड थे। इसरो के बारे में बात हो रही है और बहुत सारे वैसे टॉपिक्स के बारे में बात हो रही है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड थे, हम लोगों ने सोचा था कि हाँ आ सकते हैं। सो इट वाज नॉट अ पेपर जो मुझे लग रहा था कि एकदम अलग सा हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने लास्ट ईयर क्लैट 2021 की जो एनालिसिस करी थी उसमें हम लोगों ने बताया था कि जो वो पेपर था उसमें GK बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आ गई थी, बट दिस वॉज द पेपर ऑन विच वी कैन एक्सपेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल। लीगल को भी हम लोग बोलेंगे इजीली टू मॉडरेट साइड, और कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन बहुत आए, मैरिज एक्ट के भी आए, बट इट वॉज ओवरऑल अ पेपर ऑन अ ईजियर साइड। ईजियर से मॉडरेट के बीच में हम लोग लीगल सेक्शन को भी रख देंगे। नेक्स्ट थिंग अगर बात करते हैं लॉजिकल, सो लॉजिकल भी हम लोग के ईजी टू मॉडरेट छोटे छोटे पैरा आए जो कि हर बार बड़े पैरा और डिफिकल्ट लग जाते थे, तो अब की बात थोड़ा ईजी टू कॉम्प्रीहेंड ऐसे पैसेज आए, सो थोड़ा सा इस वजह से ईजी साइड हो गया है। कॉन्ट की बात करेंगे तो कॉन्ट भी इजी साइड ही आया है, और इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश मैंने बता दिया, थोड़ा सा लेंदी पेपर है बट क्वेश्चंस आर ऑन द इजियर साइड। सो आफ्टर लुकिंग एट दिस पेपर व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि हमारे अटेम्प्ट्स हाई होने चाहिए थे। आई हैव ऑलवेज टोल्ड कि अटेम्प्ट कितने होने ही डिपेंड करता है आपका एग्जाम पेपर कैसा होगा। जब आप एग्जाम में जाएंगे, एग्जाम को पेपर को देखेंगे, तब आप वहाँ डिसाइड करेंगे कि आप कितने अटेम्प्ट करने वाले, तब आप डिसाइड करेंगे कि कितने ज़्यादा अटेम्प्ट होने चाहिए। बिकॉज अगर पेपर इज ऑन द इजियर साइड, इट्स मस्ट कि आपके जो अटेम्प्ट हैं वो हायर साइड होने चाहिए। अगर आपके अटेम्प्ट हायर साइड नहीं है, आई थिंक मैं तो बोलूँगा एटलीस्ट 120 प्लस अटेम्प्ट होने चाहिए, बिकॉज कुछ हम लोग गलत क्वेश्चन होने के आंसर होने के लिए भी हम लोग गैप छोड़ेंगे, तो इतना अटेम्प्ट होना ही चाहिए। तो दिस इज द पॉइंट, अगर हमारा अटेम्प्ट उससे कम है तो हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो गई क्लाइंट सिलेक्शन के लिए। सो दिस इज द थिंग दैट हैज़ हैपेंड मैनी टाइम्स। मैंने क्लैट 2020 दिया तो उसमें भी यही हुआ था कि एवरीबडी थॉट कि भाई नॉर्मल अटेम्प्ट जितने होते मैं कर दूंगा हो जाएगा, बट अटेम्प्ट बहुत हाई साइड करना था बिकॉज पेपर वॉज द ईजी साइड। तो अटेम्प्ट अगर हाई होगा तो थोड़ा सा फ़ायदा रहेगा आप लोगों को अदर स्टूडेंट्स से, ठीक है। और तो मैं यही बोलना चाहूँगा पेपर वॉज अ गुड पेपर, ठीक है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा बहुत ईजी बहुत डिफिकल्ट है, बट तब भी ईजियर साइड ही रखेंगे। अब बात करेंगे कट ऑफ, जो कट ऑफ क्या होनी चाहिए इस एग्ज़ाम की। तो कट ऑफ को हम लोग बहुत ज़्यादा डिफरेंट इसलिए रखेंगे क्योंकि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था उससे हम लोग थोड़ा सा ऊपर ही इस ईयर कट ऑफ पर रखेंगे। मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे लास्ट ईयर से एकदम मैच ही कर रहा है। द रीज़न इज़ कि थोड़ा सा क्लैट का जो एग्ज़ाम है ये वाला वो ईजी साइड है, दैट्स वाई इसका जो कट ऑफ है थोड़ा सा अप साइड रहेगा। बट आपकी नॉलेज के लिए बोलना चाहूँगा जो कट ऑफ कुछ ऐसा जा रहा है, नोट डाउन 103 के स्कोर के आसपास अगर स्कोर आ रहा है तो 100 के आसपास आपकी रैंक आ सकती है। इफ़ आर गेटिंग स्कोर ऑफ 97.598 तो आप 300 के आसपास रैंक ला सकते हैं। इफ़ यू आर हैविंग स्कोर ऑफ 92 तो इट्स मोस्ट प्रोबेबली कि आप 500 या उसके अंडर स्कोर ला सक की रैंक आ सकती है आपकी। द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ़ यू आर गेटिंग स्कोर ऑफ अराउंड 88 तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो रैंक होगी वो 800 के अराउंड होगी। एंड इफ़ यू आर गेटिंग स्कोर ऑफ 85 देन 1000 के आसपास एंड 72 to 280 इज द लास्ट रैंक जहाँ पे आपको कोई ना कोई एनालिस्ट शायद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक कि ये कट ऑफ होगा, थोड़ा सा हायर साइड होगा टू द लास्ट ईयर,
बिकॉज पेपर थोड़ा सा ईजी साइड था, बट आई बिलीव कि आप लोग अच्छा करके आए होंगे। अगर अच्छा नहीं है हुआ है तो अभी भी ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा शांत रखिए, काम रखिए और एग्ज़ाम पर फोकस करिए। प्लान बी को मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लान बी हमेशा इंपॉर्टेंट है, सो प्लान बी पे अपना फोकस बनाए रखिए। प्लान बी चाहे एलेट हो, चाहे बहुत सारे एग्जाम्स हैं अभी आपके पास, बहुत सारे एग्जाम्स, बहुत सारे होते स्टूडेंट्स होते हैं उनके मॉक्स परफॉर्मेंस अच्छी होती बट एक्चुअल एग्जाम में प्रॉब्लम आती। सो अभी भी आपके पास एलेट है, अभी भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उन पर फोकस करिए, बिकॉज क्लैट इज़ नॉट एवरीथिंग। बहुत सारे अच्छे एग्जाम हैं, बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जिसको भी आपको ट्राई करना होगा, ट्राई करना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड, और आगे बढ़िए जीवन में, करते जाइए अच्छे से आगे के, और एग्जाम्स को भी करते रहिए धीरे धीरे, और वीडियोज़ भी हम लोग लाते रहेंगे। थैंक यू, दिस इज़ अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMNLU, साइनिंग ऑफ।